हाँ भाइयों आवाज़ आ रही है क्या सभी को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बता दो एक बार गुड इवनिंग ठीक है मैंने क्वेश्चन दिए थे क्या आपने सॉल्व कर लिए असाइनमेंट के जो क्वेश्चन दिए थे क्या आपने सॉल्व कर लिए जल्दी से बोलिए कुछ नहीं हुए मत्सल कौन से क्वेश्चन नहीं हुए भाई जो नहीं हुआ वो मेरे पास भेज देना ठीक है व्हाट्सएप पे बाकियों ने भाई बाकी भी रिपोर्ट बताओ अपनी क्या आपने काम कर लिया सारों ने हाँ भाई क्या बाकियों ने काम पूरा किया है जल्दी बताओ यार आशुतोष जनक काव्या मानिक शिवम प्रकाश विपरांशु विराज हर्ष शर्मा बोलो भाई क्या आप लोगों ने काम पूरा किया जल्दी जल्दी रिप्लाई भेजो विराज ने बोला क्वेश्चन नंबर नाइन नहीं हुआ और बताओ और बाकी बच्चों का कितना काम हो गया भाई देखिए अगर आप साथ के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर क्लास का मतलब नहीं बनता ना फिर तो ये एक्स्ट्रा क्लास जो हम चल रही है फिर इसका क्या मतलब बनता है बताओ मैं भी अलग से आके यहाँ पे स्पेशली क्लास ले रहा हूँ उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर फिर तो जैसा चल ही रहा था वैसा चलने दीजिए जो सुबह टीचर क्लास ले रहे हो आपकी चलती रहेगी क्लासेस अगर आप घर पे एक्स्ट्रा काम करने के लिए रेडी नहीं है बेटा तो फिर फ़ायदा नहीं है क्लास का क्लास का बेनिफिट तो तभी होता है जब आप अपनी ओर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस बनाएंगे सही तो बात है क्या बोलो क्लास का तो बेनिफिट ही तभी है जब आप लोग घर पे बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे बोलो सही बोल रहा हूँ हाँ भाई घर तो पे बैठ के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मॉड्यूल लेके गए हो क्या आप सारे क्या मॉड्यूल है आप सभी के पास बोलिए जल्दी क्या मॉड्यूल है सभी के पास सभी बच्चों के पास मॉड्यूल है रिप्लाई तो करो यार रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा हम्म सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए जिन, जिन ने ज्वाइन कर लिया है चनक तो का रिप्लाई नहीं आ रहा भाई का भी नहीं आ रहा समर्थ ने तो मुझे भेजे थे डाउट तो जिन जिन के पास मॉड्यूल है बेटा आज के लेक्चर के बाद मॉड्यूल में से जो पहला एक्सरसाइज है आपका क्वारिटिक का जो पहला एक्सरसाइज है ठीक है जी एक्सरसाइज वन उसमें से क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेंटी थ्री तक आपने सारे ट्राई करने ठीक है बीच में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपसे ना हो मॉड्यूल है भाई मॉड्यूल का व्या मॉड्यूल नहीं है क्या मॉड्यूल नहीं है तो फिर अपने किसी साथी दोस्त से मंगवा ले पीडीएफ तो यार है ना किसी भी साथी दोस्त से अपना बोल के पीडीएफ मंगवा ले एक से लेके तेईस क्वेश्चन आप सबने आज रात को ट्राई करने हैं सभी ने ठीक है बात ये कल की क्लास से पहले ये सॉल्व करके लाना भाई मॉड्यूल अगर आप नहीं बनाएंगे साथ के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मैं पहले बता रहा हूँ है ना क्योंकि फिर ये फालतू में मेरा समय खराब होने वाली बात होती है अभी ऐसे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है ना कि हाँ चलो अभी भी पढ़ लेंगे और वो हो सकता है बाद में रिवाइज कर लें उसमें तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जब एक बार चैप्टर शुरू हो गया तो आपको क्या पढ़ना है अब आप सब नॉन मेडिकल की तैयारी में आ गए तो आप लोगों का क्या एम होना चाहिए कि बस अब चैप्टर शुरू हो गया तो मैं मेन्स भी खत्म करूंगा एडवांस के क्वेश्चन भी खत्म करूंगा सब मेरे को खत्म करने समझ रहे हैं आप ये और अगर आप वो नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप दिक्कत कर रहे हैं अपने लिए क्लियर है तो पूरा मेहनत करो भाई मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये क्लास का कोई बेनिफिट नहीं बचता मेहनत पूरी करो क्वेश्चन आज के भी दे दिए हैं पहले भी दे रखे हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन बनेंगे तभी मजा आएगा भाई देखो तभी तो टेस्ट होंगे तभी आपको क्लियर होगा फिर कैसे कंपेरिजन करोगे हैं मेहनत आप करोगे नहीं फिर कंपेरिजन करोगे भैया वहां तो ऐसा होता है वहां ऐसा होता है वहां से ऐसा रिजल्ट आता है फिर क्या कंपेरिज़न बचा अपने एंड पे मेहनत आपको करनी है ठीक है ना अपने एंड पे जो मेहनत है वो आपको करनी है मुझे नहीं ये ध्यान रखिएगा हाँ भाई जल्दी जल्दी से बताओ कौन कौन आज मुझे एक काम करके भेज देगा जल्दी से रिप्लाई में दो कौन कौन ये काम करके भेजेगा बोलो जिसने नहीं करना वो अपना इस बैच से हटे सीधी सी बात अपना जो स्टार्टिंग वाला बैच है उसमें ज्वाइन करो भाई इस बैच में आपकी ज़रूरत नहीं है फिर अगर आप ये काम डेली कर, डेली करने में समर्थ नहीं है तो आपको इस बैच में रहने का कोई अधिकार नहीं है सीधी सी बात फिर अपना जो स्टार्टिंग वाला बैच है शुरू से पढ़ लो उसमें जो फिर टाइम पास ही तो करना है कहीं भी बैठ के करो फिर क्यों यहाँ पे टाइम ख़राब करना है ठीक है ना हाँ ये पूरा एक से लेके तेईस मैंने क्वेश्चन बोले हैं मॉड्यूल के एक्सरसाइज के पहली एक्सरसाइज के उसे ट्राई कीजिए देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं तेईस के तेईस क्वेश्चन सोल्व करो ना तेईस में से बीस करो पंद्रह करो दस कर लो समझे हो बाकी अटैम्प्ट जरूर करो हो सकता है तेईस में से आपके बीस सोल्व हो जाए तीन ना हूं. हो हो सकता है तेईस में से पंद्रह 15... लेकिन अटेम्प्ट करोगे तभी आपका वो माइंडसेट क्रिएट होना शुरू होगा जो आपको आईआईटी पहुंचाएगा अगर आईआईटी जाना है तो आईआईटी के लिए आईआईटी वाली मेहनत भी चाहिए कोई भी लल्लू बंजू बच्चा नहीं पहुंचता आई टी में कि सोच रहे हो कि मैं एक दिन के दस क्वेश्चन बनाऊंगा आई आई पहुंच जाऊंगा ठीक है ना अगर आई में अच्छी रैंक चाहिए बेटा तो उन बच्चों की तरह पागलों की तरह पढ़ना भी पड़ेगा सब अधिक, सब चीजें आपके पास है मॉड्यूल आपके पास है टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो मेहनत पूरी करो एक क्लास को बिल्कुल सीरियस होके लो तुम्हारे वो दोस्त बेवकूफी कर रहे हैं जो क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे उन्हें नतीजा आगे देखने को मिल जाएगा आप में से जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके अभी भी लगा होगा उसे आगे दिख जाएगा फर्क क्या होने वाला है ठीक है ना तो बिल्कुल आज ये पूरा काम आपका कंप्लीट होना चाहिए देखो सीधी सी बात जो बच्चा नहीं कर रहा होगा उसको मैं ग्रुप से हटवा दूंगा पहले ही है ना फिर अपना जो स्टार्टिंग वाला ग्रुप है जो नॉन दूसरा बना हुआ है गुरुकुल का जिसमें आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उसमें जाके बैठे भाई है ना फिर यहाँ पे समय खराब मत करो चलो मूविंग ऑन आगे बढ़ते हैं क्वाडिटिक के अंदर अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई ठीक है ना यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से देखिए नेक्स्ट जो आपका टाइटल है नेक्स्ट जो आपका टाइटल है टाइटल है आपका आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत छोटू सा टाइटल है जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम ठीक है जी रिमाइंडर थ्योरम ये आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ रखा है ठीक है जी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कोई पोलिनोम ऑफ एक्स इफ एनी पोलिनोमियल

मैंने कहा एक्स की वैल्यू वन डाल के देखिए कितना आ रहा है है ना तो आप एक्स की वैल्यू इसमें वन डाल देंगे तो कितना आ रहा होगा बोलो वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस वन यानी कितना तीन तीन छ सात और आठ तो यानी कि जब आप इस पोलिनोमियल को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा ये बहुत बच्ची सी बात है इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपने नाइन्थ क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है प्रूफ जल्दी से देख लीजिए प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है आप कितनी बात तो याद ही होगी आपको कि सर डिविडेंट जो होता था डिविडेंट वो होता था क्या डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सही बात है डिविडेंट जो होता था डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऐसे ही तो चलता था डिविडेंट क्या है यहां पे मान लो कोई नॉमल पी ऑफ एक्स डिवाइजर क्या है किससे डिवाइड कर रहे हो हमने कहा सर एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड कर, है? कर रहे हैं एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं इनटू में कुछ क्वेश्चन आ गया सर कुछ रिमाइंडर आ गया कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी मैंने कहा आप क्या कीजिए आप पूरे में x की जगह a पुट कीजिए x की जगह ए तो पुट करते हैं अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो x माइनस ए जीरो के बराबर x की जगह क्या पुट करते हैं भाई a a पुट करने पे कितना आएगा p ऑफ a बोलो x की जगह a यहाँ पे a माइनस ए जीरो जीरो प्लस में क्या आ गया रिमाइंडर यही तो बोल रहे थे हम लोग यही तो बोल रहे थे कि जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा पी ऑफ ए आएगा हो गया प्रूफ जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा पी ऑफ ए आएगा बोलो जल्दी से प्रूफ तो सिंपल है इसका ठीक है और बाकी एप्लीकेशन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई है इस चीज की ठीक है ना बोलो जल्दी से क्या क्लियर है वाई लिख के भेजो वाई लिख के भेजो ठीक है यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है क्या वो ध्यान दीजिए क्या कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप किसी अगर आप किसी मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करवा रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करा रहे तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कैसी फॉर्म का होगा या तो लीनियर होगा या कॉन्स्टेंट होगा यागैक्टली डिवाइड exactly भी आ सकता है लेकिन क्वाड्रेटिक से कम होगा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक से कम होगा बोलो सही बात है क्या अगर आप किसी एक्सप्रेशन को किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड कराते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्वाड्रेटिक से कम होगा बोलो सही बात है अगर किसी एक्सप्रेशन को आप क्यूबिक से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है ना डिवाइजर से रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी डिवाइजर से छोटी होगी ये बात याद रखना लिख लो इस बात को है ना इस बात को चाहे आप लिख लो क्या कि रिमाइंडर रिमाइंडर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी होगी डिवाइजर से क्या होगी छोटी होगी डिवाइजर से छोटी होगी यानी कि अगर मैं ये कहता हूं भाई यानी कि अगर मैं ये कहता हूं यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि आप लोग अगर किसी सपोज कीजिए कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड क्वाड्रेटिक यानी डिवाइजर कैसा है आपको यह मालूम चल गया कि जो डिवाइजर है डिवाइजर डिवाइजर कैसा कैसा है भाई? है भाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तो जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा बोलो रिमाइंडर की फॉर्म क्या मानी जाएगी रिमाइंडर अगर मानना पड़े तो क्या मानोगे ए एक्स प्लस बी मानोगे आप कहोगे सर आप कहोगे सर आपने रिमाइंडर को एक्स प्लस बी मान लिया आपने रिमाइंडर को ए एक्स प्लस बी मान लिया आपने रिमाइंडर को एक्स प्लस बी मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि डिवाइड करने पे कांस्टेंट नंबर आ जाए ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर दे तो भाई हो सकता है ना कौन मना कर रहा है अगर मान लो मान लो हम क्या कह रहे हैं कि ए जीरो हो जाए अगर ए जीरो हो जाए तो देखो एक नंबर बचेगा बी क्या है अपने आप में नंबर है अगर मान लो ए और बी दोनों जीरो हो जाए तो आपका जो डिवाइजर है वो कंप्लीटली डिवाइड भी कर रहा होगा वो कंप्लीटली डिवाइड भी कर रहा होगा अगर ए और बी की कोई वैल्यू आ गई तो लीनियर भी आ जाएगा वो तो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग ले ही लेगा लेकिन अगर अपन क्वालिटिक से डिवाइड कर रहे हैं अगर अपन क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर किस फॉर्म का आने वाला ए एक्स प्लस बी जैसी फॉर्म का आने वाला है आने वाला है ठीक यहां पर ये यह नेसेसरी नहीं है कि ये लीनियर ही है क्योंकि ए भी जीरो ना हो जो लीडिंग कोफिशेंट है अगर वो जीरो नहीं है तब उसे आप क्या कहते हो लीनियर कहते हो अगर ए जीरो नहीं है यहां तो ए हो सकता है जीरो तो ऑफकोर्स ऐसा भी हो सकता है जब ए जीरो होगा तो कॉन्स्टेंट नंबर भी आ जाएगा जब ए और बी दोनों जीरो होंगे तो एक्जेक्टली डिवाइड भी कर जाएगा ठीक है बात ये हर्ष हर्ष X -A वाली जो बात थी थी वो ये थी, कि अगर हम किसी पोलिनोम तो में, में, कि में मान लो कोई भी पोलिनोम आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स मान लो सिंपल ले लेते हैं एक्स स्क्स थ्री एक्स प्लस थ्री ठीक है बात ये मैंने कहा इसको डिवाइड करो इसको डिवाइड करो किससे डिवाइड करो इसको डिवाइड कर दो भाई एक्स प्लस टू से और रिमाइंडर बता दो तो बहुत आसान सा तरीका क्या है कि एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर करो एक्स की वैल्यू माइनस टू आई और ये वैल्यू माइनस टू यहाँ पुट कर दो तो जो आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा ये रिमाइंडर थ्योरम थी क्लास ठीक है ये रिमाइंडर थ्योरम थी क्लास अब समझ आ गया हर्ष ठीक है अच्छा जो हम पीछे बात कर रहे थे भाई पीछे जो बात कर रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं मैंने आपको कहा कि अगर आपने अगर आपने जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक है जो डिवाइजर है अगर वो क्वाड्रेटिक है तो आप क्या कर रहे होंगे डिवाइजर अगर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी अगर कल को डिवाइजर क्यूबिक हो गया डिवाइजर कैसा हो गया भाई डिवाइजर कैसा हो गया डिवाइजर कल को हो गया क्यूबिक तो के सवाल है मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या ये जो चीज लिखी गई है क्या इसे क्वाड्रेटिक बोलू बोलो क्या इसे क्वाड्रेटिक बोलू जल्दी से बोलो क्या ये जो चीज लिखी गई है क्या इसे क्वाड्रेटिक बोल दू बोलो जल्दी से क्या यस या नो यस या नो नहीं बेटा इसे क्वाड्रेटिक तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं ये लिख ना दूं कि ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ए जीरो हो सकता है आप किसी किसी पोलिनोमल को क्यूबिक से डिवाइड करो तो ऐसा भी हो सकता है रिमाइंडर लीनियर आ जाए ऐसा भी हो सकता है रिमाइंडर क्या आ जाए लीनियर आ जाए ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक भी आ सकता है ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे लेकिन क्या क्या होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो उससे छोटा ही आएगा चाहे क्वालिटी का है ठीक है ठीके? चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं अभी सभी ने सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है ठीक है अभी सभी ने मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है? जल्दी से मुझे आंसर भेजो ठीक है मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जल्दी से लिखो क्वेश्चन है जल्दी से लिख के मुझे आंसर भेजना भाई है ना इफ द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस थ्री ठीक है जी हैज रिमाइंडर फोर एक्स प्लस थ्री हैज रिमाइंडर हैज रिमाइंडर इसका जो रिमाइंडर है हैज रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है भाई हैज रिमाइंडर फोर एक्स प्लस थ्री जो रिमाइंडर आ रहा है फोर एक्स प्लस थ्री आ रहा है हर्ष शर्मा पूछ रहा है सर वो पिछले वाले में क्वाड्रेटिक ही तो था लेकिन बेटा क्वाड्रेटिक के लिए ये बताना जरूरी होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट जीरो ना हो ठीक है चलो हां जी हैज रिमाइंडर दिस वेन डिवाइडेड बाय वेन वेन डिवाइडेड बाय वेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्सर प्लस एक्स माइनस एंड बी चलो बेटा जी क्वेश्चन आपके सामने है इफ दिस हैज रिमाइंडर फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्स एक्स माइनस टू ठीक है बात ठीक है बात चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्वेश्चन जल्दी देखो ध्यान से है ना बिकॉज वी नीड टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए देखिये करना क्या आप पहले तो जनरल फॉर्म क्या होती है आप जानते हैं क्या अपन बोलते हैं क्या कि सर जो डिविडेंट होता था वो बराबर होता था डिविडेंट होता था बराबर होता था किसके सर डिवाइजर इंटू डि इंटू बोलो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये बात तो सर हम बचपन से जानते हैं है ना ये बात तो सर हम बचपन से जानते हैं कि जो डिविडेंट होता है चलो बेटा जी ठीक है चलो बेटा जी ध्यान से देखो अब डिविडेंट तो आपके पास क्या दिया हुआ है इसको डिविडेंड क्या दिया हुआ है ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्स टू एक्स प्लस थ्री ये आपको क्या दिया हुआ है डिविडेंट दिया है ठीक है बात ये डिविडेंट दिया हुआ डिवाइजर क्या दिया हुआ है प्लस एक्स माइनस टू ये डिवाइजर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा मुझे क्या पता क्या आ रहा है लेकिन कुछ तो क्वेश्चन आ रहा है कुछ तो क्वेश्चन आ रहा है हमें क्या पता कि क्वेश्चन क्या आ रहा है लेकिन कुछ तो आ ही रहा होगा प्लस में जो रिमाइंडर है रिमाइंडर कितना दिया रिमेंडर दिया सर, 4X 3 दिया हुआ 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 है 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 रिमाइंडर सर इतनी बात लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है इतनी बात लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है बोलो सही बात है क्या उसके बाद जो अगला स्टेप होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि जो आपका डिवाइजर होगा उसे फैक्टराइज कीजिए जो आपका डिवाइजर होगा उसे फैक्टराइज कीजिए ये डिवाइजर को इस डिवाइजर को फैक्टराइज कर दो तो आपका काम आसान हो जाएगा ध्यान से देखो अगर इसको हम फैक्टराइज करें, तो प्लस प्लस थ्री, वन आने वाला है? बोलो जल्दी से क्या एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन आने वाले जल्दी से आप लोग बताइए मुझे क्या मैंने सही लिखा है रिप्लाई दो सारो के रिप्लाई आने चाहिए भाई सारे रिप्लाई आने चाहिए बिल्कुल अटेंटिव हो के जल्दी से यस लिख के भेजो सारे जल्दी से वाई लिख के भेजो सारे बहुत सही चलो अच्छा आ गया सबके रिप्लाई आगे ये आ इसके फैक्टर सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही रहा था प्लस रिमाइंडर था फोर एक्स प्लस थ्री बस इतना करने के बाद अब आपका काम आसान हो जाएगा ठीक है जी इतना करने के बाद अब आपका काम आसान हो जाएगा ध्यान से देखना बेटा अब ये जो आपके फैक्टर आए हैं इन्हीं फैक्टर को उठा के इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दो ये जो फैक्टर आए हैं एक तो आया एक्स प्लस टू तो क्या किया पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह क्या डाल दिया माइनस टू क्या डाल दिया भाई माइनस टू जैसे ही आप एक्स की जगह माइनस टू डालोगे तो यहाँ जो ये यह इक्वेशन है ये वाली ये वाली जो इक्वेशन है देखो एक्स की जगह माइनस टू डालती क्या दिखेगा माइनस टू की पावर फोर यानी सोलह ए माइनस टू का क्यूब यानी माइनस का एट बी फिर माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर यहाँ आएगा माइनस टू तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात लिखने में सीधा एक्स की जगह माइनस टू डाल दिया क्यों डाला क्यों डाला सर आपने माइनस टू ही क्यों डाला अब देखना यहाँ माइनस टू डालते ही, बोल क्या हो जाएगा जीरो बोल क्या हो जाएगा जीरो कि नहीं हो जाएगा इसलिए डाला जैसे माइनस टू डालोग माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो जीरो इंटू समथिंग जो भी आ रहा हो जीरो प्लस में रिमाइंडर था फोर एक्स प्लस थ्री एक्स की जगह डाला हुआ है माइनस टू बोलो सही बात है क्या जल्दी से बोलो इक्वेशन आ गई यहाँ से जल्दी से बोलो इक्वेशन आ गई यहाँ से हाँ जी इक्वेशन आ गई यहाँ से पूरी इक्वेशन सोल्व करो यहाँ से इक्वेशन आती है टू ए माइनस बी बराबर जीरो सोल्व आप खुद कर लोगे आगे पीछे तो लाके के सोल्व कर ही सकते हो है ना मुझे वाई भी लिख के भेज देना अगर सही भी लिख रहा हूं मैं ठीक है चलो अच्छा जैसे सर आपने एक्स की जगह माइनस टू डाला क्या मैं एक्स की जगह यहाँ से वन भी डालता तब भी तो जीरो हो ही रहा होता मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो रहा होता तो एक्स की जगह पे क्या डाल दो वन भी डाल दो बोलो एक्स की जगह पे क्या डाल दो वन भी डाल दो वन डालती क्या दिखेगा ए प्लस बी माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री बराबर में फिर से ये सारा जीरो उधर वन डाला तो फोर वन या फोर प्लस थ्री यानी सेवन दूसरी क्वेश्चन यहां से आई पहली वहां से आई सॉल्व करके ए और बी भेजो एक मिनट में सॉल्व करके ए और बी भेजो जल्दी से फास्ट फास्ट जल्दी से भेजो अनुभव प्रकाश का आंसर आ गया जल्दी भेजो बाकी भी नहीं भी बी की वैल्यू गलत आई है भाई जल्दी फास्ट रिप्लाई दो रिप्लाई दो पेन चलना चाहिए भाई है ना जो बच्चा पेन नहीं चला रहा होगा केवल देख रहा होगा कि हाय हाय सर इतने खूबसूरत दिख रहे हैं तो मेरी खूबसूरती देख के क्या करोगे भाई है ना पेन तो चलाना पड़ेगा सिर्फ मुझे देख के करना क्या है पेन तो चलाना ही है चलो ये दो इक्वेशन है भाई दोनों को सॉल्व आप कर लेंगे ठीक है तो ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू टू आ रही है सॉल्व आप खुद कर लेना जिसका गलत आ रहा है वो एक बार करेक्शन देख लेना है ना कहाँ पे गलती कर रहा है ए इज इक्वल टू वन आ रहा है भाई बी इज इक्वल टू टू आ रहा है ठीक है ए इज इक्वल टू वन आ रहा है बी इज इक्वल टू टू आ रहा है चलो क्लियर है स्क्रीन शॉट ले लिया जिसने लेना हो जल्दी से स्क्रीन शॉट जल्दी से स्क्रीन शॉट फास्ट फास्ट फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो घर से करना है कर लिया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है तेईस क्वेश्चन में मॉड्यूल से दे चुका हूँ आज चौबीसवा क्वेश्चन है ये जो आपके लिए एज अ होमवर्क है क्वेश्चन है गिवन दैट गिवन दैट क्वेश्चन है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन दैट एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ ये क्या है एक फैक्टर है फैक्टर है किसका टू एक्स की पावर फोर टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्स ए एक्स एक्स क्यूब माइनस बी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स गलती हो गई एक्स क्यूब माइनस यहां ए आएगा यहाँ आगे करेक्शन कर लेना एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क् एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन देन फाइंड ए एंड बी है ना क्वेश्चन है ये देन फाइंड ए एंड बी स्क्रीन शॉट ले लो भाई और ये आपको घर से बाद में सोल्व करना है. है, है ठीक है जैसा अभी किया बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्लियर है बात ठीक है चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी सॉल्व करना आप लोगों ने यह अभी सोल्व करना है आप लोगों ने ठीक है जी आपको दे रखा है ए प्लस टू बी ए प्लस टू बी इज अटर ऑफ ए प्लस टू बी इज अ फैक्टर ऑफ ए प्लस टू बी जो है वो फैक्टर है ए प्लस टू बी जो है वो फैक्टर है किसका फैक्टर है मैं आपके सामने लिख रहा हूं ठीक है ए प्लस टू बी इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ ए की पावर फोर प्लस थर्टी टू बी की पावर फोर प्लस ए क्यूब बी साथ में दे रखा है के प्लस थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के देखंड ठीक है भाई अगर ए प्लस टू भी इसका फैक्टर है तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है ठीक है लास्ट में दे दूंगा यार स्क्रीनशॉट का मौका भी ये सॉल्व करो देखो ध्यान से तो देखो किसी एक को वेरिएबल तो मानना पड़ेगा तभी तो वैल्यू निकालोगे मान लो ए वेरिएबल है ए क्या है वेरिएबल है अगर ए है और ए प्लस टू भी इसका फैक्टर है तो आप जानते हो ए की वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस टू भी अगर तो जीरो किया तो ए की वैल्यू आएगी माइनस टू भी यानी कि एक की जगह इस पूरे पोलिनोमियल में किसका किसकी टर्म्स में वेरिएबल क्या माना मैंने ए को तो इसको लिख लिया एफ ऑफ ए है ना जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन इन एक्स वैसे पोलिनोम इन क्या हो गया ए हो गया टर्म्स में, में लिया। क्या जल्दी से एक जगह माइनस टू भी पुट करो और बताओ मुझे एक देखो एक की जगह माइनस टू भी पुट करता हूं मैं करता हूं देखो एक ही जगह माइनस टू भी पुट करो टू की पावर फोर आएगा सोलह बी की पावर फोर फिर ठीक है प्लस में क्या दिया बत्तीस बी की पावर फोर सही है यहाँ पे ही आप एक ही जगह माइनस टू भी पुट करोगे माइनस का एट बी की पावर फोर के प्लस थ्री और ये चीज बराबर होनी चाहिए किसके जीरो पे बोलो सही बात है क्या सोलह बी की पावर फोर सही लिखे क्या जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो क्या ये चीज सही लिखी है बोलो 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 ठीक है चलो आगे करते हैं फिर सोलह और बत्तीस हो जाएगा अड़तालीस तो हो जाएगा अड़तालीस बी की पावर चार और बी की पावर एट तो छह इधर बच गया माइनस यहाँ क्या बच गया के और माइनस की वजह से माइनस का थ्री बराबर आ गया जीरो तो यहाँ से आ गया एट बी फोर क्या आ गया साथ में विलती से बोलो सिक्स माइनस थ्री थ्री माइनस के बराबर जीरो तो इस क्वेश्चन में गिवन था गीवंत लिख लेना साथ में ना कि ए और बी जो है वो जीरो नहीं है तो अगर बी जीरो नहीं है तो ये जीरो रहा होगा और ये जीरो कब होगा जब के की वैल्यू क्या आएगी बोलो जल्दी से के की वैल्यू थ्री आएगी सही बात है क्या के की वैल्यू थ्री आएगी सबको क्लियर है क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से हाँ जी सबको क्लियर है चलिए सबको क्लियर होना चाहिए ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो फिर आगे बढ़ रहे हैं चलो आगे बढ़ रहा हूं भाई अब नेक्स्ट आपका टाइटल डालिए नेक्स्ट टाइटल है आपका आइडेंटिटी इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट टाइटल है आपका आइडेंटिटी आइडेंटिटी इक्वेश आइडेंटिटी इक्वेश आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है सर आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है भाई आइडेंटिटी का आइडेंटिटी का मतलब होता है जहां एल एच एस आर एच एस आपका बराबर आ जाए जैसे बचपन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी तो आप यहां पर दोनों साइड में अगर ए और बी कोई भी दुनिया के रियल नंबर डालोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा मान लो एक की जगह यहां भी वन डाला और बी की जगह भी वन डाला तो दोनों साइड में हमेशा बराबर होगा ठीक है क्लियर दोनों साइड में बराबर होगा सर पिछला लास्ट का बता दो लास्ट में क्या था भाई पिछले में लास्ट में ये था कि ये ये दोनों ब्रैकेट अगर जीरो आ रही है ना दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो क्वेश्चन में गिवन था कि बी जीरो नहीं है अगर बी जीरो नहीं है तो ये जीरो है और ये जीरो है तो के क्या होगा थ्री होगा तभी तो जीरो होगा ठीक है चलो तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जो दुनिया में हर रियल नंबर के लिए सेटिसफाई कर जाए हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए ठीक है बात ये अब यहां पर खेल क्या होने वाला है खेल ये होने वाला है कि आप जानते हैं कि ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो क्वालिटिक एक्सप्रेशन है ये क्या है भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं कि डिग्री टू है ठीक है क्या है डिग्री टू है इसलिए क्वाड्रेटिक जैसा है आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम कितने रूटिस्फाई कर सकते हैं जल्दी से रिप्लाई में भेजो किसी भी क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम कितने टू कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो बात क्लियर है मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, कर सकते सकते हैं हैं लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सर दो से ज्यादा सेटिस्फाई कर जाए अगर ऐसा हो जाए कि सर दो से ज्यादा सेटिस्फाई कर जाए तो यह क्या गड़बड़ हो रही है ऐसा कैसे हो सकता है सर कि दो से ज्यादा सेटिस्फाई कर जाए मैंने कहा रुक देख मैं बताता हूं मान लो

अगर क्वाड्रेटिक के तीन रूट हो गए कितने हो गए तीन रूट अल्फा बीटा गामा तो आप लोग तो ये बात जानते हो रूट उस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करता है तो इसमें मैं अगर रूट पुट करूं तो क्या दिखेगा ए इंटू में अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू में अल्फा प्लस सी बराबर जीरो सबको दिख रहा है ऐसी बीटा भी पुट करूंगा तो ए इंटू में बीटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू में बीटा प्लस सी बराबर जीरो ऐसी गामा भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ए इंटू में गामा का स्क्वायर प्लस बी इंटू में गामा प्लस सी बराबर जीरो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उसके रूट है अगर वो उसके रूट है तो ऑफकोर्स ये तीनों वैल्यूज जो तीनों इक्वेशन लिखी गई है सामने सही लिखी हुई है कोई दिक्कत अभी तक नहीं है बोलो सही बात है क्या अभी तक कोई दिक्कत हमें नहीं है ध्यान से देखना ये हो गई इक्वेशन वन ये हो गई इक्वेशन टू ये हो गई इक्वेशन थ्री सबसे पहले क्या किया मैं सी को कैंसिल करना शुरू करता हूँ सी को तो सी को कैंसिल करने के लिए मैंने पहला क्या किया ध्यान से देखिएगा मैंने वन में से टू को माइनस किया वन में से टू को माइनस किया आप लोग भी करके देखो वन में से टू को माइनस तो देखो क्या आएगा ए कॉमन ले रहा हूं एल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर फिर बी को कॉमन ले रहा हूं एल्फा माइनस बीटा बराबर में जीरो बोलो यस लिखो अगर मैंने सही लिखा है तो जल्दी से यस लिखो अगर मैंने सही लिखा है तो अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो यस लिख के भेज दो जल्दी चलो सब कह रहे हैं कि सर बिल्कुल सही लिखा है अच्छा ये बताओ एल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर के दो फैक्टर होते हैं एक एल्फा माइनस बीटा और एक एल्फा प्लस बीटा एल्फा माइनस बीटा तो पूरे से कॉमन आ ही रहा है तो अगर एल्फा माइनस बीटा मैं पूरे में से बाहर करूं तो जल्दी से बताना क्या अंदर ये दिख गया सभी को ए इंटू में यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा यहाँ बचेगा प्लस बी बराबर जीरो और ये चीज को मैं उधर ले जा सकता हूँ डिवाइड में क्योंकि अल्फा बीटा बराबर तो है नहीं अरे अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग वैल्यूज बोली थी हमने तो बराबर तो है नहीं अगर बराबर नहीं है तो ये चीज जीरो नहीं है जीरो नहीं है तो इसको मैं उधर लेके डिवाइड कर सकता हूँ तो ओवरऑल इक्वेशन बची ए इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर जीरो बोलो इतनी इक्वेशन तक क्या सभी मेरे साथ में है इस इक्वेशन तक क्या आप सब मेरे साथ में हो जल्दी से बताओ क्या सभी मेरे साथ में हो इस इक्वेशन तक कोई सोया तो नहीं चलो आगे बात करते हैं फिर अगर यहां तक आप सब साथ हो तो आगे भी फिर आपको समझ आएगा चलो ध्यान से देखना भाई जैसे मैंने जैसे मैंने वन में से टू को माइनस किया ऐसे ही मैं क्या करता हूं टू में से थ्री को माइनस करता हूं टू में से थ्री को माइनस करते ही देखो क्या आने वाला है ए कॉमन आ गया बीटा स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर आ गया फिर क्या आ गया प्लस बी कॉमन आ गया बीटा माइनस गामा आ गया सी तो कट ही गया बराबर जीरो अगेन वही सारी चीज जो वहां गई है सेम यहाँ पे तो ए इंटू में बच गया बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर में जीरो बोलो जल्दी से क्या अभी अब भी आप मेरे साथ हो वही चीज तो करी जो पहले वाले में किया सेम वही सारे स्टेप पहल दिए जो यहाँ किया था वही वहां कर दिया जो यहाँ किया था वही वहां कर दिया अब 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 ये आई मेरी इक्वेशन नंबर तीन तक तो आ गई थी ये आ गई चार ये आ गई इक्वेशन नंबर पांच मैं आपसे क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि सब के सब क्या करो अब चार में से पांच को माइनस कर दो चार में से पांच को भी माइनस कर दो क्योंकि हमें काटना है बस सब काटना है देखो चार में से पांच को माइनस किया यहाँ लिख रहा हूँ चार में से क्या माइनस किया पांच जैसे ही माइनस करोगे देखो ए तो कॉमन आ रहा है ए तो कॉमन आ रहा है यहां आएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस हो जाएगा बीटा माइनस हो जाएगा गामा इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है ठीक है बात ये बी से बी आपका कैंसिल हो गया जल्दी बोलो बी से बी आपका क्या कैंसिल हो गया जल्दी बोलो आपको बिल्कुल हो गया सर बराबर में जीरो आ गया क्या यहाँ तक सभी बच्चे साथ में हैं बोलो जल्दी से चार में से पांच को कॉपी पे करते रहा करो जैसे ही मैं कहता हूं वैसे आप भी करते रहा करो जल्दी जल्दी अब देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो बच्चा ए इंटू में अल्फा माइनस गामा बराबर जीरो मेरा सवाल आपसे ये है अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इन दोनों में से ये वाली क्या जीरो हो सकती है अल्फा माइनस गामा क्या जीरो हो सकता है जल्दी से बोलो अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग नंबर थे क्या ये जीरो हो सकता है जल्दी बोलो क्या इसे जीरो बोल सकता हूं आपको नहीं सर ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो अलग अलग थे तो क्या जीरो रहा होगा ए जीरो रहा होगा तभी तो होगा ये चीज ए जीरो रहा होगा तो यानी यहाँ से तो क्या बाहर आया कि सर इसका मतलब ए क्या रहा होगा जीरो रहा होगा अच्छा भाई अगर ए जीरो रहा है यहाँ पे ए की वैल्यू डाल इक्वेशन पांच में ए की वैल्यू डाल तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बोल अगर ए जीरो है तो इक्वेशन पांच में ए की वैल्यू डाल बी की वैल्यू बोल जल्दी जल्दी बोल बी की वैल्यू बोलो बी की वैल्यू वैलो अरे बी भी जीरो आ गया ये क्या हो गया सर ये तो बीबी जीरो आ गया ये तो बीबी जीरो आ गया जल्दी बोलो अगर ए बी जीरो है बीबी जीरो है और आप ऊपर किसी भी इक्वेशन वन टू थ्री में से डालोगे यहां पे डालो ए बी जीरो बीबीडी जीरो सी बोलो क्या आएगा क्या सी अपने ए और बी का साथ छोड़ देगा कभी भी नहीं छोड़ेगा सी बी कितना आ रहा होगा जीरो आ रहा होगा बोलो सी बी कितना आ रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब अब समझ में आई पूरी कहानी अब समझ में आई पूरी कहानी इसका मतलब क्या हो गया कि सर सी बी जीरो हो गया इसका मतलब हुआ क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इसके तो हमने बचपन से पढ़े दो ही रूट होते हैं लेकिन अगर दो से ज्यादा रूट आ गए अगर तीन आ गए चार आ गए पांच आ गए इनफेनाइट रूट आ गए कितने रूट आ गए इन्फिनाइट रूट आ गए वो केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों जीरो हो जाए बोलो सही बात है तीनों जीरो हो जाए ऑफकोर्स ए के जीरो होते ही सर हम क्वालिटिक तो बोलेंगे भी नहीं अरे अगर ए जीरो हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक बचेगा बिल्कुल नहीं बचेगा ए जीरो हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं बचेगा लेकिन इस चीज को आइडेंटिटी कब बोलेंगे समझ रहे हैं आप ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इज एन आइडेंटिटी इसे आइडेंटिटी कब बोलेंगे आप सोचना मेरी बात को भाई ध्यान से देखना इज एन आइडेंटिटी वेन सोचना मेरी बात को वेन ए बी सी बराबर जीरो अगर ऐसा हो गया सोच के देखना लिखा क्या हुआ है सोच के देखना A zero कर दिया तो जीरो मल्टीप्लाई देख, देख मैंने कहा एक्स की जगह टू डाल के देख क्याटिस्फाई कर रहा है जल्दी बोलो एक्स की जगह टू डालने पे एल एच एस एच एस अब एक्स की जगह कुछ भी डाल के देख कुछ भी डाल के देख देख यहाँ पे अगर तूने एक्स की जगह क्या डाला कुछ भी डाला ध्यान से देखियो अगर तू नेक्स्ट की जगह यहाँ पे क्या डाला कुछ भी डाला तो जीरो इंटू में क्या आएगा बोलो क्या आएगा यहाँ पे कुछ भी का बोलो सही बात है क्या जीरो इंटू में कुछ भी का स्क्र प्लस जीरो इंटू में कुछ भी बोलो जल्दी से जीरो इंटू में कुछ भी प्लस जीरो इंटू समीरो बराबर जीरो एल एच एस बराबर आरएचएस अगर हमेशा एल एच एस बराबर आरएचएस आ रहा है तो ऐसी चीज को क्या बोलते थे अपन ऐसी चीज को क्या बोलते थे बोलो जल्दी से क्या बोलते थे आइडेंटिटी क्या बोलते थे आइडेंटिटी क्या पॉइंट क्लियर हुआ सभी को पूरी कहानी क्लियर हुई आपको चलो अच्छी बात है क्लियर होगी तो ये लो भाई है ना जिसने स्क्रीनशॉट लेना अगर आ रहा हो तो क्लियर तो ले लो बाकी लिख भी लिया करो बोला ही है मैंने तो क्लियर नहीं है आशुतोष कह रहा है एक मिनट रुक फिर मेरे को बुढ़ा करना देन शोट लो अब क्लियर होगा पहले इतने पोर्शन का ले लो चलो इस पोर्शन का लो चलो इस पोर्शन का ले लो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई कि बचपन से जो आपने बात पढ़ी है वो सत्य ही है कि क्वाड्रेटिक के केवल दो रूट होते हैं लेकिन अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि भाई ये क्वाड्रेटिक है जिसके दो से ज्यादा रूट है चाहे तीन चाहे चार चाहे इन्फनाइट कितने भी बोल दे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब कि ए बी सी कोफिशिएंट्स जो होंगे कॉन्स्टेंट जो होंगे सब जीरो होने वाला है केवल तभी ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है या ये बोल दे कि कोई इक्वेशन अगर आइडेंटिटी है अगर कोई इक्वेशन क्या है आइडेंटिटी है आइडेंटिटी वो तभी साबित होगी जब सारे सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए जाए जीरो ठीक है बोलो सही बात है क्या वाई लिखो जल्दी से क्या ये बात क्लियर है बोलो 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 क्या आप सबको ये बातें क्लियर हो गई केवल क्वालिटी की बात नहीं है मान लो आपसे बोल दिया एक क्यूबिक है एक क्यूबिक दे दिया आपको है ना क्यूबिक के बोल दिया भाई इसके चार रूट है कोई आपको आगे क्या कहे ये ले ये क्यूबिक है इसके चार रूट है तो आपके दिमाग में फटेक से आ जाना चाहिए कि भैया क्यूबिक के तो तीन ही होते हैं चार कैसे बोल रहा है चार तो तभी होंगे जब सारे सारे जीरो हो रहे होंगे बोलो सही बात है तभी होंगे जब सारे सारे कॉन्स्टेंट जीरो हो रहे होंगे उम्मीद करता हूं अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्लियर है अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन लिखिए भाई सभी बच्चे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कह रहा है इफ क्वेश्चन है, लिखिए सभी इफ इफ ए स्क्र माइनस वन इंटू में एक्स इफ ए माइनस स्क्स इंटू मै प्लस, ए माइनस वन इंटू में एक्स प्लस ए माइनस वन इंटू में एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस फोर ए प्लस थ्री बराबर जीरो इज एन आइडेंटिटी इन एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एज एन आईडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी इन एक्स देन फाइंड ए ए की वैल्यू ज्ञाप कीजिए यदि ये जो सामने लिखी गई चीज आइडेंटिटी है तो ए की वैल्यू ज्ञाप कीजिए जल्दी से आंसर आप लोग बताओ क्या लग रहा है क्या आएगा याद रखना ये तीनों चीजें तीनों कोफिशेंट तीनों कॉन्स्टेंट एक समय पे जीरो होने चाहिए चलो भाई आंसर आ गया विराज का आंसर आया है और भी बच्चे भेजो ठीक है आ गया का भी आ गया त्रिपाठी साहब का भी आ गया हर्ष का आ गया काव्या तीनों एक ही समय पे जीरो कर रहे हैं ध्यान से देखो सबसे पहले ये चीज अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये चीज भी जीरो है ये चीज भी जीरो है और कांस्टेंट भी जीरो है समझ रहे हैं अगर ए स्क्वेयर माइनस वन जीरो है तो आप जानते हो ए की वैल्यू दो आएंगी प्लस माइनस वन सही बात है ए की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस वन अगर ए माइनस वन जीरो है तो इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी प्लस वन सही बात है और अगर ए स्क्वेयर माइनस फोर ए प्लस थ्री अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से क्या क्या आ गया दो रूट एक तो आ गया ए माइनस वन और एक आ गया कितना ए माइनस वन और ए माइनस थ्री तो यहाँ से दो वैल्यू आई ए की वैल्यू एक तो वन और एक ए की वैल्यू थ्री अब तीनों चीजें जीरो एक समय पे होनी चाहिए तीनों चीजें एक ही समय पे जीरो होनी चाहिए तो तभी होगा जब ए की वैल्यू क्या हो जाए वन हो जाए तीनों चीजें केवल तभी एक ही समय पे जीरो होंगी जब ए की वैल्यू क्या हो जाए वन हो जाए बोलो क्लियर है क्या क्वेश्चन जल्दी बोलो आइडेंटिटी वाली बात क्लियर है चलिए सारे बच्चे रहे हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए शो दैट शो दैट आपको शो करना है शो दैट शो दैट लिखिए जल्दी से x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस 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 में लिखिए जल्दी से प्लस में लिखिए जल्दी से लिखता हूँ आपके लिए जल्दी जल्दी लिखिए एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन में दे रखा है यहाँ पे सी माइनस बी इंटू में ए माइनस बी प्लस में दे रखा है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 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 ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इजिक्वल टू वन इज एन आइडेंटिटी शो करना है कि ये जो सामने चीज लिखी गई है ये एक आइडेंटिटी है इज एन आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी ठीक है जी इज एन आइडेंटिटी ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा है ना अंदाजा धुन शुरू नहीं करना है हमेशा दिमाग में कुछ बातों को लेके चलना है हमेशा दिमाग में कुछ बातों को लेके चलना है सबसे पहले प्रूव करना है कि क्या हो आइडेंटिटी हो और आइडेंटिटी हो सबसे पहले आप ये देख लो जो ने नॉर्मल दिया उसकी डिग्री क्या आने वाली है उसकी डिग्री क्या आने वाली है अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी डिग्री क्या आएगी जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको सॉल्व करके क्या आएगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या आने वाला है क्वाड्रेटिक आएगा क्योंकि डिग्री टू आ रही है दिखी रहा है आपको एक्स इंटू एक्स करोगे ही तो आएगा तो क्वाड्रेटिक जैसा आएगा पहली बात तो ये अच्छा अगर क्वाड्रेटिक जैसा आएगा और आपको आइडेंटिटी दिखाना है तो दो तरीके हो सकते हैं पहला तो कि आप ए बी सी तीनों को जीरो दिखा रहे हो बोलो ए बी सी अगर तीनों आपने जीरो दिखा दिए तब आप बोल दोगे कि सर ये तो आइडेंटिटी है या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात भी देखी कि अगर आइडेंटिटी है तो क्वाड्रेटिक के अंदर वो दो से ज्यादा रूट्स पे सेटिस्फाई हो रहा होगा बोलो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ये दिखा दूं ये है तो क्वाड्रेटिक दिखने में तो क्वाड्रेटिक है लेकिन अगर मैं इसमें तीन ऐसी वैल्यूज दिखा दूं जिन पर ये वैल्यू क्या हो रही हो सेटिस्फाई हो रही हो समझ रहे हो ये पोलिनोम क्या हो जाए जीरो हो जाए

क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ दे रखा है तो क्या लग रहा है क्या हो सकती है बस अपने दिमाग में उतना लेकर आओ सर मुझे तो देख के लग रहा है आप ही लोग बताओ आपको क्या लग रहा है एक्स की जगह क्या डालू कुछ सोच के बताओ बी जैसा सी जैसा ए जैसा क्या है कि कुछ लग रहा है क्या आपको एक्स की जगह कुछ डालू बोलो जल्दी से देखो एक्स प्लस बी अगर फैक्टर है दिख रहा है तो एक्स की जगह माइनस बी डाल के देखता हूँ बोलो सही बात है क्या माइनस सी डाल के देखता हूँ माइनस सी डाल के देखता हूँ हो जाएगा कुछ ना कुछ तो देखो तो अगर मैं एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पे अगर मैं एक्सप्रेशन में मान लो पहले मैंने की जगह माइनस ए डाला एक्सप्रेशन में की जगह डाला ठीक है जी तो माइनस ए डालने का फायदा क्या देखो माइनस ए प्लस ए जीरो बाई सम जीरो यहां पर भी माइनस ए डालोगे माइनस ए प्लस ए जीरो भी खत्म तो बचा सिर्फ ये बचा सिर्फ ये अगर इसको ध्यान से देखो अगर आप माइनस ए डालो पहले वाले में तो क्या दिखेगा बोलो माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी अपॉन में क्या दिखेगा जल्दी बोलो बी माइनस ए सी माइनस ए और वन इधर माइनस वन बराबर zero, ऐसा दिखेगा आपको. अच्छा, अब ये बताओ ये, ये क्या आ रही है देखो देरा से. नीचे सेम और न्यूमरेटर सेम गए जल्दी देख लो बी माइनस ए लिखा है बी माइनस ए लिखा है बोलो इससे ये कटेगा सी माइनस ए से सी माइनस ए कटेगा तो ये आ गया वन वन माइनस वन क्या होता है जीरो यानी सेटिस्फाई कर गया बोलो जीरो गया ना और अगर जीरो आता है कोई वैल्यू डालने पे, अगर एक्स की वेरिएबल की कोई वैल्यू डालने पर पोलिनोम इज जीरोमियल बोलो सही बात है क्या कितने बच्चों को लग रहा है अब मेरे पास इस क्वेश्चन का धागा खोलने का समय आ चुका है कि सर एक्स इजल टू माइनस ए पे तो आ गया आप लोग चेक करके देखोल टू माइनस बी पे भी आ रहा होगा जल्दी चेक करो जल्दी से चेक करो जल्दी आप ही लोग चेक करो जल्दी से सभी बच्चे चेक करके मुझे बता दो क्या माइनस बी पे भी ये जीरो आ रहा है जल्दी से चेक करो दोनों पे चेक करो देखो एक्स माइनस बी पे भी और एक्स माइनस सी पे भी जल्दी से चेक करो क्या दोनों पे जीरो आ जाएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा चेक करके देख लो है ना चेक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना ये मैंने बता दिया जिम्मेदारी आप लोगों की आप लोग चेक करोगे और चेक करने पे चेक करने पे जीरो आ गया अगर जीरो आ गया यानी आपको इस क्वाड्रेटिक की तीन जीरो तो मिली गई कौन कौन सी ये मिल गई ये भी जीरो होगा ये भी और किसी क्वाड्रेटिक की तीन जीरो ये कैसी बात हुई किसी क्वाड्रेटिक की तीन जीरो कैसे हो सकती है हो सकती है अगर वो चीज क्या हो अगर वो चीज क्या हो आइडेंटिटी अगर वो चीज क्या हो बोलो जल्दी आइडेंटिटी पॉइंट क्लियर हुआ क्या बोलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया यानी अगर किसी चीज को आइडेंटिटी दिखाने हैं उसके दो तरीके हैं या तो आप कोफिशंट दिखा दो जीरो आ रहे हैं या फिर दूसरा तरीका क्या उसको दिखा दो, दो से ज्यादा रूट सेटिस्फाई करता हुआ तो वो भी आइडेंटिटी हो जाएगा बोलो 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 चलो भाई काफियों का आ गया है आंसर तो अब आगे बढ़ना ही उचित रहेगा चलो चलो भाई क्वाड्रेटिक में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे आपको पहले दिन का लेक्चर अगर याद होगा मैंने आपको ये बात बता दी थी कि अगर ऐसा हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये बात बोल दी थी कि अगर ए बी सी जो तीनों कोपिशन होते हैं अगर वो क्या हो अगर वो रैशनल नंबर हो क्यू माने क्या हो रैशनल नंबर हो और एक रूट आपका पी प्लस रूट क्यू है तो आप जानते हैं कि दूसरा रूट क्या आता था पी माइनस रूट क्यू ये बात हम कर चुके हैं ठीक है बात ये फिर मैंने इसके नीचे एक पॉइंट और भी लिखवाया था कि ए बी सी अगर बिलोंग कर रहे हो भाई रियल नंबर्स को किसको बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर्स को तो उस केस में अगर एक रूट हमारा पी प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या होता था भाई पी माइनस आयोटा क्यू ये बात भी हमने कर ली थी सभी को याद होगा ये कंडीशन भी याद होंगी और ये क्या होता है वो भी याद होगा उम्मीद करता हूँ है ना बिल्कुल याद होगा आप तो समझदार बच्चे हैं चलिए अच्छा फिर मैंने एक बात और लिखवाई थी अगर आप लोगों को याद हो कि इफ डी इज परफेक्ट स्क्वेयर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर वो क्या हो परफेक्ट स्क्वेयर हो इफ डी इज परफेक्ट स्क्वेयर अगर डी हो परफेक्ट स्क्वेयर अगर डी हो परफेक्ट स्क्वेयर तो रूट्स कैसे आते थे रूट्स कैसे आते थे रैशनल आते थे है ना देन क्या ठीक है कैसे आएंगे याद है क्या यह बात जल्दी बोलो वाई लिख के भेजो क्या आपको ये बात याद है मैंने पहले दिन ही करी थी अपने पहले दिन के नोट्स में देखना कि अगर डी कल को परफेक्ट कर जाए तो आप जानते हैं रूट क्या होता था एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए है, है ना तो ये सिचुएशन भी होगी इसी के नीचे एक पॉइंट और लिख लो कि अगर ऐसा हो जाए कि ए की वैल्यू तो वन हो ए की वैल्यू तो वन हो और जो बी और सी हो बी और सी हो वो क्या हो इंटीजर्स हो आई माने क्या हो गया इंटीजर्स बी और सी क्या हो इंटीजर हो और साथ में डी क्या हो साथ में डी क्या हो परफेक्ट स्क्वेयर समझ रहे हो तीन कंडीशन तीनों कंडीशन याद रखना डी क्या हो भाई परफेक्ट स्क्वेयर अगर ए की वैल्यू वन हो ए की वैल्यू वन हो बी और सी इंटीजर हो और डी क्या हो परफेक्ट स्क्वायर तो इस केस में जो रूट्स आते हैं यहाँ तो रूट्स रूटनल थे रेशनल होता है पी बाई क्यू फॉर्म यहाँ पे रूट्स कैसे हो जाएंगे खास और खास हो जाएंगे रूट्स आर इंटीजर्स इंटीजर समझते हो इंटीजर समझते हो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर समझते हो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पे है ना फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है तो रूट्स कैसे होंगे इंटीजर स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आपके लिए एक क्वेश्चन है जल्दी लिखिए क्वेश्चन क्या है जल्दी से लिखिए इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक इक्वेशन दी हुई है ठीक है एक्स स्क् माइनस टू सी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू सी ठीक है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है देन देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दूसरी इक्वेशन मैं बता रहा हूँ बेटा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन किसके रूट्स के नेचर निकालना है आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन है आपके सामने लिखी है इक्वेशन है यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्सक्र नेचर ऑफ रूट इक्वेशन इसके स्क्स के नेचर क्या आएगा क्या ये रियल आएंगे इमेजनरी आएंगे क्या दोनों रूट इक्वल आएंगे आपको ये बताने ऊपर वाले के गिवन है ऊपर वाले के क्या है भाई रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो ऊपर वाले के अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो आप बताइए आपका दिमाग क्या बता रहा है अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो हम क्या लगा सकते हैं जल्दी बोलो किसी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं बोलो जल्दी से काव्या का सबसे पहले आंसर आ गया समर्थ का भी आ गया बाकी कहाँ है भाई बाकी बच्चे कहाँ हैं आज बाकी तो रिप्लाई ही नहीं आ रहे कितने बच्चे हैं क्लास में भी इक्कीस बच्चे देखो तो बीस बच्चे हैं जल्दी रिप्लाई भेजो यार डी पॉजिटिव होगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पॉजिटिव डी D D कैसा होगा पॉजिटिव रियल और डिस्टिंक्ट की वजह से डी पॉजिटिव पॉजिटिव माने डी लगाओ जरा बी स्क्र यानी आ जाएगा बी स्क्र माइनस टाइम्स ऑफ ए सी ग्रेटर देन जीरो सही बात है क्या फोर हाफ हटा दो कॉमन ले लो तो सी स्क्र माइनस ए बी पॉजिटिव इतनी बात हमें इतनी बात हमें पहली वाली इक्वेशन से पता चलेगी कि सी स्क्वेर माइनस ए बी पॉजिटिव आएगा अब नीचे वाली के अगर नेचर बताने हैं रूट्स का कि कैसे आएंगे तो नीचे वाली का भी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं नीचे वाली का अगर डिस्क्रिमिनेंट हम निकालें तो देखो क्या आने वाला है बी स्क्र माइनस फोर ई लगाओ जल्दी से बी स्क्र चेक करना मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं बी स्क्र माइनस फोर ए की जगह तो वन ही है सी की जगह आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू सी बोलो सही बात है अच्छा पूरे में से पूरे में से क्या कर सकते हैं फोर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी यहाँ बचेगा माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्र माइनस का टू सी बोलो मैंने सही लिखा है जल्दी बोल दो यार जल्दी बताओ सही से लिख रहा हूँ ना मैं कोई गलत तो नहीं लिख रहा बिल्कुल सही लिख रहा हूँ चलो तो देखो ए स्क्यर से ए स्क्वायर कटा बी स्क्वेयर से बी स्क्र कटा सही बात है ओवरऑल क्या बच गया जल्दी बोलो और कुछ तो नहीं मिस किया मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सही बात है जल्दी बोलो मुझे एक बार वेरीफाई करना तो सही लिखा है यहाँ तक सब कह रहे हैं हाँ सही लिखा है चलो ठीक है फिर ओवरऑल क्या क्या बच गया देख लेते हैं एक तो टू ए माइनस का बच गया टू सी सही है टू ए माइनस का टू सी सही लिखा है क्या यहाँ जल्दी बोलो मुझे एक बार चेक कर लेने दो क्या क्वेश्चन में यही था मैंने कुछ मिसप्रिंट तो नहीं लिख लिया ना हाँ ठीक है मैं भी वही सोच रहा था कुछ मिसप्रिंट है यहाँ सी आएगा बेटा है ना यहाँ सी स्क्र आएगा ताकि वही मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा था सी स्क्र आएगा तो यहाँ पे भी सी स्क्र आ जाएगा बस यहाँ पे भी स्क्वेयर यहाँ पे भी स्क्वेर यहाँ पे भी स्क्वेयर ताकि कंपेरिजन ईजी होगा ना देख रहा इसमें से टू तो कॉमन ले लो तो एट ए बी माइनस सी स्क्वेयर अब आप मुझे बताओ ये जो चीज लिखी गई है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव अगर ये वाली पॉजिटिव है तो ये वाली चीज सी स्क्वयर माइनस ए बी तो पॉजिटिव है तो ये वाली चीज़ कैसी होगी जल्दी बोलो ए बी माइनस सी स्क्वेयर बोलो नेगेटिव होगी इसी का इसी का नेगेटिव तो लिखा हुआ है अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है सीधी बात देखो ना सी स्क् माइनस ए बी पर ए बाइनस सी स्क्वे अगर वो पॉजिटिव तो ये क्या होने वाला है नेगेटिव नेगेटिव अगर नेगटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स कैसे होंगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे जल्दी बोलो नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे इमेजनरी होंगे बिल्कुल सही बात रूट्स कैसे होंगे इमेजनरी होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई इमेजनरी नहीं कॉम्प्लेक्स होंगे क्या होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे ठीक है बात कॉम्प्लेक्स होंगे बेटा इमेजनरी नहीं बोलना कॉम्प्लेक्स बोलना है ठीक है ना क्योंकि इमेजनरी तो क्या होगा उसमें रियल पार्ट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें रियल भी हो इमेजनरी भी हो ठीक है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि रियल और इमेजनरी दोनों आ रहा हूँ आगे बढ़ूँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा क्लियर भी हो गया होगा ठीक है चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको अभी करना है है ना जल्दी लिखो find a quadratic expression equation with rational coefficient find quadratic equation with rational coefficients with rational with rational coefficients with rational coefficients whose one root is whose रूट रूट इज एक जिसका आपको दे रखा है वन अपॉन टू प्लस रूट फाइव चलो बताओ बेटा जी आप लोग आंसर बताओ जिसका एक रूट आपको दे रखा है अपॉन प्लस वो एक क्वेश्चन क्या आने वाली है जल्दी से बताओ सॉल्व करो सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो एक रूट आपको गिवन कि वन है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं सॉल्व जल्दी से सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो देखो एक रूट तो आ रहा है वन अपॉन टू प्लस रूट फाइव इसको ऐसे लिख लो एक रूट आपका एल्फा आ रहा है उल्टा लिखो है ना ताकि आपको रूट लिखने में आसानी हो वन अपॉन रूट फाइव प्लस टू क्योंकि रूट फाइव बड़ा होता है ना टू से रूट फाइव बड़ा होता है इसको रेशनलाइज कर लो पहले रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव माइनस टू ऊपर आ गया कितना भाई ऊपर तो आ गया रूट फाइव माइनस टू और नीचे आ गया कितना बोलो ए स्क्वाइनस बी स्क्र फाइव माइनस फोर यानी वन तो ये तो कन्फर्म हो गया कि एल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी रूट फाइव माइनस टू तो अगर एक रूट अगर ये आ रहा है तो दूसरा रूट क्या आने वाला है जल्दी बोलो कई बच्चे गलती भी करेंगे यहाँ पे मुझे पता है अगर एक ये आने वाला है तो दूसरा क्या आएगा देखो ध्यान से माइनस रूट फाइव माइनस टू बोलो सही बात है अरे इरेशनल वाला चेंज होता है याद रखना इरेशनल वाला चेंज होता है बोलो सही बात है इरेशनल वाला चेंज होता है याद रखेंगे इस बात को तो दूसरा रूट आ गया ये अब इक्वेशन क्या होती है क्वालिटी एक्स स्क्वेयर माइनस याद है क्या सभी को सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यही तो होती थी तो एक्सक्र माइनस दोनों का सम करो रूट का रूट फाइव से रूट फाइव कट गया माइनस फोर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर एक्स और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है जल्दी बोलो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है जल्दी बोल दो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है क्या माइनस वन आ रहा है जल्दी बोलो माइनस वन है ना कितना आ रहा है माइनस वन माइनस वन तो ये आपका आंसर हो गया क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन जल्दी बोलिए क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन किस किस को क्लियर है क्वेश्चन जल्दी बोलो वाई लिखो क्वेश्चन में टू प्लस रूट थ्री गिवन था चलो भाई है ना आज की सभा यही समाप्त कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए जो काम है वो मैंने आपको दे दिया कुल चौबीस क्वेश्चन दिए तेईस तो आपको वैसे दिए और एक क्वेश्चन शायद ऐसे दिए करने के लिए ठीक है ना तो बेटा सभी बच्चों ने वो काम कंप्लीट करना है पूरे जोश के साथ ऐसा सोच के चलो पूरी मॉड्यूल बनानी है जब आप पूरी मॉड्यूल बनाएंगे तब आप आई जाने के लायक बनेंगे ये याद रखना अगर आप मॉड्यूल नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में रखो कि आई नहीं पहुंचने वालों अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं ये ध्यान रखना है ना और हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग काम करें ठीक है ठीक है भाई चलो उम्मीद करता हूँ सब अपना प्रॉमिस निभाएंगे और आज काम करके दिखाएंगे ठीक है चलिए जी गुड बाय एवरीवन